नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के गंजबासुगा की, जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाऊ लाल साहू का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश शासन के नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल सिंह द्वारा सामान्य वर्ग की महिलाओं की अभद्र टिप्पणी की गयी, जिसके विरोध में पुतला फूंका गया है। आपको बता दें कि रविवार को सर्व स्वर्ण वर्ग समाज के लोगों ने मिलकर मंत्री बिसाऊ लाल का पुतला फूंका। इस दौरान पुतला जलाने वाले लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस के बीच काफी देर तक छिनाचपटी हुई। प्रदर्शन करने वाले लोग पुलिस के हाथों से पुतला छीन कर ले गए, लेकिन पुतला चल नहीं पाया और टूट गया। उसके बाद कुछ लोग स्टेशन की ओर से दूसरा पुतला लेकर आए, वहीं पुलिस आती उससे पहले लोगों ने पुतले को आग के हवाले कर दिया। जय स्तंभ चौराहा पर पहले से खड़ी नगर पालिका की दमकल पर तैनात कर्मचारी ने पुतला जलाने वाले लोगों को भगाने और पुतला जल ना पाए उसके लिए करीब 20 मिनट तक वाटर कैनन से लोगों को भगाया। उसके बाद सभी लोग रैली के रूप में तहसील परिसर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कमल मंडेलिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाऊ लाल साहू को पद से हटाने की मांग की है। दरअसल रविवार की दोपहर करीब 1 बजे श्री महाराणा प्रताप राजपूत समिति गंज बासोदा के आह्वान पर सर्व सामान्य वर्ग समाज के लोग जय स्तंभ चौक पर इकट्ठा हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने बारी बारी से सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल सिंह द्वारा सामान्य वर्ग की महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर बैठे बिसाऊ लाल ने नारियों के कार्यक्रम में मंच से ही नारियों का अपमान किया है। ऐसे मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए, जिसे महिलाओं का सम्मान ही करना नहीं आता। सभा को कई लोगों ने संबोधित किया और अपने विचार रखे। रैली के रूप में तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कमल मंडेलिया को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सभी लोगों की एक ही मांग की, मंत्री बिसाऊ लाल को पद से तत्काल हटाया जाए, महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर उनके विरोध मंत्री पर मामला दर्ज किया जाए, यदि 7 दिन के अंदर मंत्री को पद से नहीं हटाया गया तो सर्व स्वर्ण वर्ग के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सार्वजनिक समारोह है, उसके वरिष्ठ मंत्री बिसाऊ लाल सिंह जो कि संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने एक महिलाओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की, उसको लेकर सामान्य वर्ग के सभी लोगों में रुस जाते हैं। बात ये सामान्य वर्ग की नहीं है, बात है महिला सम्मान की। और इस तरह की टिप्पणियाँ निश्चित रूप से बांटने का काम करती हैं। जहाँ एक और हम मजबूत भारत की बात करते हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भारत की बात, अखंड भारत की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनके एक मंत्री द्वारा जात पात के लेकर महिलाओं के प्रति असम्मानजनक आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करके शिक्षा प्रदर्शित करना चाह रही है, ये निंदनीय है। और हम इस आज के हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हमारे हम सबकी मांग है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। वो किसी भी वर्ग के हो, यदि इस तरह का कोई बांटने का काम करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मात्र माफी मांग के इसका इतिश्री करना, ये एक परंपरा बन जाएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी, इस आंदोलन को हम और मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाएंगे, तेजी से करेंगे और मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा करेंगे जब तक उनको बर्खास्त नहीं करना। जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अगर तब तक ये आंदोलन निरंतर चलेगा। इस पूरे वक्तव्य के पीछे कोई सोची समझी राजनीति है क्या? देखिए, आजकल कुछ लोगों की एक परंपरा सी बन गई है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के एक वातावरण बनाया जा रहा है। ये मजबूत भारत के लिए खतरनाक है और ये नहीं होना चाहिए। जात पात की बात नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की बात होना चाहिए। नारी कोई है और सब हमारी सम्माननीय है, मातृशक्ति सबकी सम्माननीय है, हम सबका सम्मान करते हैं। और इस तरह के कोई किसी भी वर्ग की हो, ये सब निंदनीय है। धन्यवाद। उदय पालन और पोषण माताओं की गोद में होता है, महिलाओं के संरक्षण में हमारा जीवन पलता है। ऐसी माताओं की के प्रति यदि कोई दुर्भाग्यग्रस्त टिप्पणी करता है तो हम सबका यह धर्म बनता है, यह कर्तव्य है कि कोई हमारी माँ की तरफ अगर उंगली उठाता है या आग निकालता है तो हम सबका भी यह धर्म बनता है कि उसके एक बुक्के में दांत तोड़ दिए जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकती
कि अगर माँ के आंचल तक किसी की दृष्टि पहुंच जाए, किसी का हाथ पहुंच जाए और अगर हम बैठे रहे तो हमसे बड़ा कायर और नपुंसक कोई हो नहीं सकता। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।